स्वागत पिला माने धन्यवाद। आमे काली पढ़ी दशहरा भेटी गल्पर कवि परिचय पढ़ी ना नहीं पढ़ी ठीक अच्छे तेणु आज आम पढ़ा गल्पटी जाना हाँ तुम्हें काली पूरा खुशी दिल गल्प शुणाप आज भी खुशी अच आज सारे आपको गल्पटी पढ़े तेणु ये गल्पटी ये गल्पर मुख्य चरित्र होती लेखक आर स्त्री सुनंदा। जिते लेखक लेखक कहते मोर अपक्व बयस सहित मोर बहुत अपक्व बयस बहुत हो सकते जेते बेले बयस होता ना सेते बेले बहुत तुम जान आगु सब थाली बाहर होता छोट कनिया बाहर होता बयस होता ना से समय से बाहर होता तेणु तापर बयस हो जाता से माने कन्याटी तार ससुर घर को तार स्वामी घर को आसुथ वर्तमान किंतु सरकार नियम कर तुम्हें जानवा दरकार झील 18 वर्ष पुअर 21 वर्ष हेले बाहर हो पार ना आईन तो अपराध तेणु आम समस्ते झील 18 वर्ष रु अधिका हेले पुअर 21 वर्ष रु अधिका हेले बाहर कि लेखक कहते अपक्व बयस बाहर होता बयस होता नहीं से समय बयस नईला बाहर होता तेणु तुम कि भिक्षा मु चाहे लेखक कहते तेणु तुम जहाँ कि भिक्षा मु चाहे धनीर सतान से स्त्री सुनंदा से धनी लोक सतान थे विराट बड़ घर विलास बेसन से रोते लेखक टी गरीब थी धन कम था तेणु लेखक जहाँ चाहूल सुनंदा स्त्री सब अभाव पूरण करेणु लेखक किसी कहीपरती ठीक से हीपर ता मो शून्य थाले से अजाड़ी दिखती सजाड़े जो तिल प्राय अहम जीरोई थाए ता शुष्क मुखर मरण अवधि नहीं पार से कहते तिल प्राय तिल मान खसा खसा जी बड़ से बड़ अहम तर अभिमान राग लुचिक रही तेणु से जहाँ सही दिखते कि सही पार ना कारण कितु पारे ना कारण मुझे स्वामी से स्वामी बोली से सही पार ना सुनंदा काव्य कवितार प्रेयसी बहुत भल पाती मुंटी वास्तववादी मो आगे मृत्यु मृत्यु जीवन जीवन मरण भितर मु अमृत हस्तर इंगित देखे कि जन्म बा सृष्टि मुझे आत्महरा मैं अधिक खुशी से हमें जन्म हम कि मृत्यु अधिक खुशी हूँ ना आत्महरा हूँ ना आज जो अशील सकाल कथा मुझे ठीक से ही सका 20 वर्ष तले सुनंदार श्री उपर संगीत ढाई थी से ही संगीत आज भी मोर प्राण को मधुछंद उत्थल कै जेते बड़े मुतांकर हासदीप्त पूर्वमुख तृप्त मुख उपर नेत्रपात कैसे स्त्री मान शोभा सुंदर तेणु संगीत ढाई था तापर मधुछंद मधुच उत्थल उत्थल मान तरंगायित कह तरंग देखी जाओ समुद्र ढे आसे तरंगा आसे तेनाली मधुछंद तरंगायित करूला जिते बड़े हसदीप्त तृप्त मुख उपर से नेत्रपात करते देखुले नेत्रपात करवा मैंने नेत्र मान आखि आखि पक देखुले से देखुले अंतर्जामी जानती यही मोर स्त्री सुनंदापी मुझे कौन नक तेणु भगवान अंतर्जामी हेल्ले भगवान से ही जानते सुनंदापी से स्वामी हिसाब से कौन करा ही भगवान से दिन था विजया दशमी प्रभात प्रभात मान विजया दशमी दुर्गा दशहरा सका सुंदर और सुखर प्रभात सुनंदा सकाल गुणगुण हो
सजाइबारे लगी गत रात्रि अलस भाव धीरे कटि जाकर आखि प्रकाश कहीं कटि जाइए ना विजया दशमी दशहरा जीवे बुलाबूली करेंगे ठाकुर देखिए किड़ाकिड़ी करेंगे शरत शून्य किरण से से भल मंद सुख दुख कौन जमी सरल जीवन जापन सी बचाक भल पाती आत्महरा बेसी हूँ ना बेसी खुशी हूँ ना कि दुख प्रकाश करती ना साधारण जीवन जापन आज जो असीण सकाल कथा मुझे ताने आमर भी चली बर्तमान कि मस आशीन मास अशीण मास ठीक से ही सकाळ 20 वर्ष तले सुनंदार श्री उपरे संगीत ढाली 20 वर्ष तलर कथा से 20 वर्ष तले तांकर स्त्री सुनंदा तांक उपरे श्री सुनंदार श्री उपरे संगीत ढाली तांकर खुशी श्री माने शोभा सौंदर्य से ही संगीत आज भी मोर प्राण को मधुछंदर उथल करे तरंगायत करे जेते बेले मु तांकर हासदीप्त तृप्त मुख उपरे नेत्रपात करे मु तांकु जेते देखे मोर मन मधुछंदरे अति सुंदर भावरे कौन हुए तरंगायत हुए भल लागुनी अंतर्जामी जानती भगवान जानती अंतर्जामी बोले भगवान जानती यही मोर स्त्री सुनंदा पाई मु कौन बा न करी से दिन विजया दशमी प्रभात सुंदर सुखर प्रभात विजया दशमी राम रावण को मारी जेते अयोध्या प्रवेश करिसंती अयोध्यावासी माने महा आनंद रे चारियाड़े लाइट विभिन्न सजा सजी करी राम को स्वागत करुचंती जेते रावण को बध माने कौन आम भितर जेते पाप अन्याय अत्याचार छंद कपट माया हिंसा ये सब आम लोप करवा आम भल मनीष हवा भगवान निकटतर हवा मन दे पाठ पढ़वा आगक जावा पितामाता कथा मानवा यही सब गुरु कथा मानवा आम निज कर्म निजे करिबा मन दे पाठ पढ़ा एवं नियमित स्कूल को आसवा एक्सरसाइज करिबा व्यायाम करिबा सुस्वादु खाद्य खाइबा जहाँ अच्छी भी घरे आमर ठीक समय खाइबा ये सब कले आमे भल मनीष हवा आमर आम पर आम देशर भविष्य गठन हो पार से ही कथा लेखक निजे कहते देखता स्त्री से कमती जो परिवर्तन कर विजया दशमी प्रभात सुंदर और सुखर प्रभात यही सुंदर समस्त मन घर सब सजा होता है मन रही था सुनंदा सका गुणु गुणु होकर कोठरीटी सजाइबारे लगी कोठा घर को रूम को सजाऊँ गत रात्रि अलस भाव धीरे कटि जाइए आखिपतर तर जो रातिर ठीक शो ना लेट्रे शोचे शीघ्र उठी ये काम भितर आलस आम ना शरतर शून्य किरण में गवाक्षपत हो रंजित ये जो शरत ऋतु आशीन मास शरत ऋतु गवाक्ष बोले झरका झरका पट दे सूर्यर जो किरण पड़ू आलोक पड़ू ता रंजित हो चिकचिक कर सुंदर देखा गृह सजा सरी अन्यमनस्क भाव में बसी रही काउच उपरे से काउच उपरे बसी कवि किए कवि कवि किए हाँ कवि किए से कौन तुम्हें कह भूली गल ना भूली ना अरे राजकिशोर राय के राजकिशोर राय से बसी दूर रे दशभुजा मंडप उपरे नहबत्र तान तरंगात हो बही आस धीरे धीरे अति धीरे सुनंदा साबुन रे हाथ धोऊ धो कहिले ये जाओ भूली गल यही जा भूली गली तुम रूम टारे टिके हाथ मारी आनी पारली नहीं किंतु तुम्हें जो छवि गुड़ाक टांगीच ओह कि भयंकर चाहिला बेलक मत बड़ भय लगे कहले दुर्गा मेड़ पाखरे से गीत जो स्वर पूजा सब कान बाजुच भासी आसूँ तरंगित हो
ସେହି ସମୟରେ କହିଲେ ତମ ରୁମ୍ଟା ମୁଁ ସବୁ କଲି, ତମ ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ହାତ ଆଣିପାରିଲି, ପୋଛାପୋଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ହଁ କହିଲା କୁ ତମ ଯାହା ତ ତମ ରୁମ୍ରେ ସେ ଛବି ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛ, ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି ଲେଖ କିଛି ଛବି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଓହ କି ଭୟଙ୍କର, ଚାହିଁଲା ମୋତେ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲା ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଭୟ ଲାଗୁଛି, ସେ ଛବି ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ତମେ ରଖିଛ, ସେ ଛବି ଗୁଡ଼ାକ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ନଳପତ୍ର ସ୍ୱରରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଯେପରି ବିଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସୁନନ୍ଦାର କଥାରେ ମୋର ଅଭିନିବେଶ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କହିଲି। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ୱରରେ ସେ ଯେଉଁ ବସିକି ଭାବୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇଠି ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏହା କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆସିଗଲା, ସିଆଡ଼ୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏଠିକି। ଶୁନ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଡାକନ୍ତି ଶୁନ, କହିଲେ ଶୁନ, ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ରୁଚିକର ହୋଇପାରୁନି, ମୋର ରୁମ୍ ମୋର ଛବି କିପରି ବା ତୁମର ପ୍ରିୟ ହେବ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଶୁନ, ମୁଁ ତ ତୁମର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ମୋ କୋଠରୀ ମୋ ଘର ମୋର ଛବି ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତ ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଶୁନ, ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ରୁଚିକର ହୋଇପାରୁନି, ମୋର ରୁମ୍ ମୋର ଛବି କିପରି ତୁମର ପ୍ରିୟ ହେବ। ଏହି ରାଗିଲେ ବୋଧ ହୁଏ, ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନନ୍ଦା ରାଗିଯିବ। କହି ସୁନନ୍ଦା ତାଙ୍କର କେତକୀ ଭୁରୁ ନଚାଇ ମୋ ଆଡ଼େ ହାଣିଲେ କଟାକ୍ଷ। କ'ଣ କଲେ, କେତକୀ ଭୁରୁ ନଚାଇ, ମାନେ କେତକୀ ଫୁଲ ଦେଖି ତମେ ଜାଣିଛ, କେତକୀ ଫୁଲ ଜାଣିଛ ନା ରେ, ହଁ କେତକୀ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ପରି ତାଙ୍କର ଆଖି ପତା, ତାହାର ଶୁନ ସୁନନ୍ଦାର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର, ଆରେ କେତକୀ ଭୁରୁ ନଚାଇ ମୋ ଆଡ଼େ ହାଣିଲେ କଟାକ୍ଷ, ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି କରି ଯେମିତି କହିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଏମିତି ବଙ୍କେଇକି ଚାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କବି କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ରାଗିଗଲେ, ବୋଧେ ସେଠୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ରାଗି ନାହିଁ, ଯଦି ପାର ମହାତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ଚାଇନା କିଳେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଇ ସଫା କରି ରଖ। କହିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନା ମାଟିରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅଛି ତାକୁ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଟିକେ ସଫା କରିଦିଅ, ଦେଇକି ତାକୁ ରଖ। ଚାକରକୁ କହିଲେ ଘରଟା ପରିଷ୍କାର କରିଦେବ। ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ଛବି ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି କହୁଛ ଶୁନ, ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର, ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଲୋକ ହୃଦୟ ଫଟାଇ କିଛି ଦିନ କାନ୍ଦି ପାରିଥିଲା। ଉତ୍କଳମଣି ଜାଣିଥିବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସିଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ କେତେ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, କେହି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକି ସେବା କରିଛନ୍ତି, ନ ଖାଇ ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ଦରିଦ୍ରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ପୁଅ ମରିଗଲା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଗୌତମଙ୍କର ମାୟାମୁକ୍ତ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯାତ୍ରା ଯିଏ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୌତମ ମାୟାରୁ ସଂସାରରୁ ଯାଇ ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ନା ଯାହାଙ୍କର ଅମୃତମାନି ସତସନ୍ନତ ପ୍ରାଣରେ ଜରା ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଦୂର କରିଛି, ସେ ଜରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହେବ ହେଲେ ବି ଯେ ମହାଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି, ଭରିଜନ ମେରି, ନ୍ୟୁଟନ, ଶିବାଜୀ, ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ, କାହାକୁ ଭୟ କରୁଛ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛି ସେ ଏଇ ଫଟୋ, ଆମେ ଯେମିତି ଘରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ସଜାଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଟେବୁଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ବନ୍ଧେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ତୁମର ହେଉଛି ଭରିଜନ ମେରିର, ଶିବାଜୀଙ୍କର, ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର, ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲଙ୍କର, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର, ଏମିତି ସବୁ ସେ ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ସେକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନନ୍ଦା ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ତୁମେ ଏଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ନା ରଖିଛ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହିସବୁ ଛବି ମୋର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଛି, ସୁନନ୍ଦା ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଭୟ, ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡେଲି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଦର ନାହିଁ। ପୁଣି ପଚାରିଲେ କେଉଁ ଛବି ଗୁଡ଼ାକ ଭୟର କାରଣ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଦୂର କରିଦେବି, ତାଙ୍କର ଏକ ଲେଖକ ବା ଗାଳ୍ପିକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେଉଁ ଭଲ କେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଛବି ଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଭୟ ଲାଗୁଛି କୁହ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ତୁମର ପରିତୃପ୍ତ ପାଇଁ ମୋର ଏତେ ଦିନର ଦାନ, ବୃକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୀଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ ନା, କହିଲେ ମୁଁ ବୃକ୍ଷର ଗୋଟିଏ କୀଟ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବି ନା ଗୋ, ସେସବୁ ଛବି କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସାତ ଆଠ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଛବି ଖବରକାଗଜରୁ କାଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲଗାଇ ରଖିଛ ସେ କ'ଣ ସବୁ ସତ? କହିଲେ ତମେ ମୁଁ ସେଇ ଛବି କଥା କହୁନାହିଁ, ତମେ ଯେଉଁ ପେପର କଟିଙ୍ଗ ରଖିଛ, ପେପରକୁ କାଟିକି ରଖିଛ, ମୁଁ ସେଇ ଛବି କଥା କହୁଛି।
काव्य कविता मु मुदी मो निज अंकलक्ष्मी यही वास्तव चित्र गुड़ाक अलिक बोली भावुची कहिला साबुन हाथ सुखीगला धोईआस हाँ मन पड़ा आज जे दशहरा मोर कर्तव्य ना आनंद तुमको किसी उपहार दवा देवी किंतु कौन देवी कहले तुम्हें हो छाड़ तुम्हें साबुन हाथ धोई आस तुम हाथ सुखीगला आज तो दशहरा मु तुमको कौन उपहार देवी से कथा भावुची सुनंदा अभिमानी टीके जो एक शुणीदे कथा प्रसंग में उठे बोली सी तुम रूमटार हाथ दे पारे ना आरंभ करते कि कथार श्रुत धरला अन्य आकार भिन्न आकार तेणु ये कथा टिके मुड़ चाहता एम टे तेलैकी गेल मैंने आज बहुत मजा कले आज ये रखा तुम मानी कतोटी प्रश्न अच्छी तुम मैंने सब जाच बढ़िया से उत्तर दे पार देखा कहल गाल्पिकर स्त्री नाम कौन थी किए कहीपर अच्छा तुम्हें कहल सुनंदा सावास बढ़िया कहल हाउ देखा द्वितीय प्रश्न टे पार क्यों पर्व उपर यह गल्पटी आलोचना करे कहीपर तुम्हें दशहरा पर्व धन्यवाद सावास सावास बहुत बढ़िया कौच हाउ तुम्हें कहल तिल प्राय कह कौन बुझ तिल प्राय कह कौन बुझ तिल माने कौन तिल माने वह खसा अच्छा खसा बहुत छोट तेणु तिल प्राय कह बहुत छोटिया कथाटे तिल प्राय तिल को ताल करवा कथार कौन रूढ़ी प्रयोग अच्छी से भाई तिल हेले सुपर आस सुनंदा डेस प्रेयस चतुर्थ प्रश्न तुम्हें सुनंदा डेस प्रेयस कौधे प्रेयस काव्य कवितार प्रेयस तेणु धन्यवाद पिला माने तुम्हें भल कह आज ये पुणी आसंता का देखा हबो मु पुणी बढ़िया ये अध्यायर मजा कथा नहीं आसबि गल्पटी पूरा आम शेष करवा तेणु आज ये रखा तुम्हें माने घर पाखरे मन दे पाठ पढ़ समस्त कथा मानव स्कूल खुलिले विद्यालय खुलिले तुम्हें मन खुशी आसब आम मजा करवा बहुत बहुत धन्यवाद।